आप लोगों ने देखा होगा आपकी काफ़ी सारी पर्सनल चैट्स होती हैं जो कि आप लोग कुछ और लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा भी होता है कि आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्हाट्सएप चैट को आप बिल्कुल लॉक कर दें और ताकि कोई और आपकी व्हाट्सएप की चैट ना पढ़ पाए। इफ़ इन केस आप किसी और को फ़ोन देते हैं तो कई बार कहते हैं कि तूने व्हाट्सएप पे लॉक क्यों लगा रखा है, इसको अनलॉक करके दे। तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं कि आप पूरे व्हाट्सएप पे लॉक लगाने की बजाय आप किसी पर्टिकुलर चैट पे लॉक लगा सकते हैं। जी हाँ, आप किसी पर्टिकुलर चैट के ऊपर भी लॉक लगा सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर चैट के ऊपर लॉक लगा सकते हैं और उससे आप अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चैट के लिए, बेसिकली आपके पर्सनल चैट्स के लिए, जहाँ पे आपकी कुछ पर्सनल बातें होती हैं और आप नहीं चाहते आपके दोस्तों को पता लगे। तो दोस्तों, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर चैट पे, किसी पर्टिकुलर दोस्त की व्हाट्सएप चैट पे, किसी पर्टिकुलर लड़की की व्हाट्सएप चैट पे कैसे आप एक लॉक लगा सकते हैं ताकि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स जो हैं देख ना सकें। आपके पास फ़ोन पकड़ा रहते हैं उनको, आपको याद नहीं रहता कि वो व्हाट्सएप चैट पढ़ सकते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए, खासकर ये कॉलेज एंड स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको आज मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा ये ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको लिंक बता दिया है, यहाँ से डाउनलोड कर लो तो बस मिल गया और आप आराम से कर लोगे। नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा और उसी के बाद आप उसको करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं व्हाट्सएप के अंदर। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये एक ग्रुप है, इसमें मैं इजीली जा पा रहा हूँ, इस ग्रुप में भी जा पा रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी प्राइवेसी नहीं है। दोस्तों, प्राइवेसी बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाता हूँ प्ले स्टोर पे और वहाँ पे आपको सर्च करना है चैट लॉक। जी हाँ, चैट लॉक को आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको लॉकर फॉर वर्ड्स चैट ऐप। जी हाँ, लॉकर फॉर वर्ड्स चैट ऐप, ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं, 4.2 रेटिंग है इसकी और 1 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है और काफ़ी लोगों ने यूज़ करी हुई है, तो इन एनी केस काफ़ी अच्छी होगी। बहुत ही मिनिमल सी एप्लीकेशन है, 34 MB की एप्लीकेशन है, 3 MB की एप्लीकेशन है, तो काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। तो उसमें यहाँ पे इसको इंस्टॉल होने देते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सो अब यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि क्रिएट 4-डिजिट पासकोड, तो यहाँ पे हम लोग 4 डिजिट का पासकोड बना देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे हमने एक डमी ईमेल आईडी दे दी, अगर आपको पासकोड अगर आप कभी भूल जाओ तो वहाँ पे उसको दे देगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है लॉकर फॉर व्हाट्सएप चैट एसेसिबिलिटी परमिशंस इज रिक्वायर्ड टू लॉक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एसेसिबिलिटी परमिशंस को दे देना है। हर एक फ़ोन में अलग टाइप से दिखेगा, मेरे फ़ोन में यहाँ पे इस टाइप से दिख रहा है। मैं यहाँ पे जाके इसको एसेसिबिलिटी की परमिशंस दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने थंब लगा दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो गई है एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है और जिस भी चैट को आप लॉक करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप 2-3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं करना चाहो तो। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर चैट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट होगी। अगर आपको कोई और भी सिलेक्ट करनी है, आप इसको सिलेक्ट करके आप ऐसे पूरी फैमिली ग्रुप को भी डाल सकते हो ताकि किसी को ना पता लग पाए, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका लॉक, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, अब हम इसको बाहर निकल जाते हैं, ये काम हो गया ख़त्म। और इसको मैं रिसेंट में से हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, हमने रिसेंट में से हटा दिया इसको। हमने इसको खोला, आप लोग देख सकते हैं खुल रहा है इजीली। मैंने जैन फैमिली को फैमिली ग्रुप को मैंने बंद करा, तो देखिए आप यहाँ पासकोड आ रहा है, तो यहाँ पे जब तक मैं लगाऊंगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं, और ये लगाते हैं खुल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे रोहित की चैट को खोलूँ तो यहाँ पे भी मेरा पासवर्ड मांग रहा है, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो चाहे वो पासकोड आप डालना चाहो, तो कोई से भी चीज़ आप डाल सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी पर्सनल चैट्स को बचाने के लिए, दोस्तों से स्पेशली। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।